हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऑफ फिट ब्लॉगिंग में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मेरी यूजर एक्सपीरियंस के रियलमी एक्स सेवन मैक्स। पिछले दो महीने से इस फोन को यूज कर रहा हूँ, तो बहुत यूज मैंने कर लिया है फोन को। तो अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा एक अपने यूसेज के ऊपर थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकूँ कि कैसा ये फोन है, जिससे कि आपको भी आने वाले सेल्स में इस फोन को खरीदने में डिसीजन लेने में ईजी होगा। आने वाले टाइम पे अभी शायद बहुत अच्छा डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर रही है कंपनी, तो देखते हैं क्या क्या अच्छा लगा मुझे इस फोन का और क्या क्या चीज थोड़ा सा और रियलमी ध्यान दे सकती थी इस फोन को ठीक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सारे के सारे डिटेल्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ा सा नोट्स भी बनाया हुआ है कि बहुत दिन से कि मैं आपके संग शेयर कर सकूं क्या क्या चीज इसमें अच्छी है, क्या क्या चीज इसमें बुरी है। देखिए, सबसे पहले रियलमी का जो यूआई है, मैं रियलमी यूज कर रहा हूँ पिछले शायद 3-4 सालों से, तो इसका जो यूआई अभी जो बना हुआ है रियलमी का बहुत अच्छा है। बहुत डेवलपमेंट किया है कंपनी ने यूआई में। अब धीरे धीरे थोड़ा सा ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसको अनइंस्टॉल भी आप कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से कलर ओएस के संग रियलमी ने शुरुआत की थी, वहां से दे हैव कम ए लॉन्ग वे। कंपनी मेरे ख्याल से शायद कुछ एक पॉइंट बनाने की कोशिश करी है, जिस तरह हमको सबको पता है कि वन प्लस वापस कलर ओएस में आ रहा है धीरे धीरे, और ये सब एक ही कंपनी के ही पार्ट है। रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया। तो रियलमी धीरे धीरे आपका बजट किलर फोन जो हमारा आता है, तो उस सेगमेंट में धीरे धीरे घुस रहा है। अभी हमको देखने को मिल ही रहा है कि GT सीरीज के संग ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अपना UI को ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, जिससे आपका मिड रेंज फोन्स का जो एक्सपीरियंस है वो सबको काफी अच्छा मिले और एक वर्ड ऑफ माउथ बहुत एक अच्छा जनरेट हो। तो इसका UI जो है वो डेफिनेटली एक प्लस है, अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा। अब बात करते हैं अब इसके प्रोसेसर की। तो Dimensity 1200 के ऊपर ये बेस है, 6 नैनोमीटर चिपसेट है, तो काफी एफिशिएंट है, काफी पावरफुल है। ये आपको गेमिंग का एक बहुत बढ़िया आपको एक फीडबैक आपको देगा, और बहुत पावरफुल चिपसेट जैसे कि मैंने कहा, तो एकदम हाई एंड चिपसेट है। तो 20-25,000 के ब्रैकेट के फोन्स में इस चिपसेट का आना बहुत अच्छा है। पावर एफिशिएंट भी बहुत ज्यादा है, तो आप इसमें बहुत देर तक आप सोशल मीडिया आप एक्सेस करते रहिए, आप इसमें गेम्स वगैरह खेलिए, तो बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन ये नहीं करता है। और पावर कंजम्पशन की अगर बात कर रहा हूं, तो मैं बता दूं कि इसमें 4,500 mAh बैटरी जो दी हुई है, और इसको चार्ज करने के लिए भी 50W का चार्जर दिया हुआ है। सुपर फास्ट चार्जर है, बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है फोन को चार्ज करने में। और जैसा मैंने कहा 4,500 अच्छा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जैसा है वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। आप 7,000 mAh की बैटरी को भी अगर आप ठीक से अगर ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तो भी आपको वो लगभग एक दिन का ही देगा बैकअप। तो यहाँ पे भी आपको लगभग आपको एक दिन का बैकअप इजीली मिल जाता है, और अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो एक दिन तो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये दूसरा पॉइंट, बैटरी चार्जिंग टाइम और पावर कंजम्पशन, ये भी एक प्लस अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिस्प्ले। तो 6.43 इंच का एमोलेड, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट भी है, जो कि एक संग अवेलेबल होना बहुत ज्यादा अच्छा है। डेफिनेटली इसको बहुत प्रीमियम बनाता है फोन को, और डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप इस फोन को हाथ में आप लोगे, आप इसमें मीडिया कंजम्पशन आप करोगे, आप देखोगे कि बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस ये आपको देगा। तो स्क्रीन, डिस्प्ले और फास्ट रिफ्रेश रेट, थम्स अप। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है साउंड आउटपुट। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया हुआ, जो कि तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत हैंडी होता है 3.5mm जैक अगर रहता है, और उसका जो साउंड आउटपुट है कमाल का है, बहुत अच्छा है। और फोन में जो स्पीकर्स दिए हुए हैं बहुत ज्यादा लाउड है और बहुत ज्यादा क्लियर भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाउड है और मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, नॉइजी लगता है, लेकिन इसका साउंड बहुत बैलेंस्ड है और बहुत ज्यादा अच्छा है। तो साउंड आउटपुट का डिपार्टमेंट भी थम्स अप प्लस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्ड क्वालिटी। देखिए, यहाँ पे मैं दो पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा, जो एकदम एक सीधा सीधा मैसेज आपको नहीं देगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बिल्ड क्वालिटी सबसे पहला है, प्लास्टिक बैक है, आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा शाइनी एक स्ट्राइप दिया हुआ है, और उसके संग
बाकी का हिस्सा शाइनी नहीं है, तो एक मिक्स्ड है, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, कैची लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा ओवर द टॉप ये लग सकता है, तो ये सब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं फोन का इन हैंड फीलिंग जो है, फोन इतना पतला है, इन हैंड फीलिंग जो है इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम ये लगता है, प्रीमियम बनाता है इस फोन को। आप जब इसको हाथ में लोगे आपको मजा आएगा इस फोन को पकड़ने में, इतना स्लीक सा ये फोन है, इसका इन हैंड फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उस चीज को मैं अगर बोलूंगा तो बिल्ड क्वालिटी जहां पे थोड़ा सा, एक तो प्लास्टिक बैक है वो तो आजकल सब फोन में मिलता है, लेकिन एक इन हैंड फीलिंग जो है, एक फोन को पकड़ने में जो आपको जो एक मजा आता है, प्रीमियमनेस जो आता है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, तो ये आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है, आप देख के फिर अपना डिसीजन लीजिए। और उसी के संग ये ऐड करना चाहूंगा कि फोन का जो वेट है वो 179-180 ग्राम्स के अराउंड है, तो आपको भारी भी नहीं लगेगा, फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा रियलमी के फोन में जनरली रहता ही है, तो ऑन द लाइटेस्ट साइड इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा अच्छा कंपनी ने दिया है, तो ये आपको वो प्रीमियमनेस में थोड़ा सा और ज्यादा ये एनहांस कर ही देगा फीलिंग। फोन का वाईफाई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही फास्ट है, वाईफाई के संग आप जब कनेक्ट करते हो तो वाईफाई का स्पीड ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, तो आपका आपके फोन में कोई कंप्लेंट होगा नहीं, ये बहुत अच्छे से सिग्नल्स को कैच करता है और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस आउटपुट है वाईफाई के। कॉल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पीकर आउटपुट जो है बहुत अच्छा है, नेटवर्क इश्यू फोन में नहीं है, तो ये भी इसका एक बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जिस काम के लिए बेसिकली फोन को हम यूज करते हैं बात करने के लिए, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए, वहां पे नेटवर्क इश्यूज जनरली मिला नहीं मुझे, तो कॉल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा आता है जो अनलॉक करने के जो प्रोसीजर्स होता है, फोन का फेस अनलॉक काफी फास्ट है, और सबसे मजा इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है इन डिस्प्ले, तो बहुत ज्यादा फास्ट है, और उसका जो एनिमेशन भी दिया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऑन करोगे 20-25,000 प्राइस ब्रैकेट में, अभी जनरली बहुत सारे फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, सब साइड माउंटेड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन डिस्प्ले डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो और वो लैगी भी नहीं है, बहुत फास्ट है, तो दैट इज ऑल्सो अ थम्स अप फॉर मी। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की, जो एक बहुत मेजर फैक्टर आज बन गया है एक फोन को कंसिडर करने में। 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है पीछे, और सामने 16 मेगापिक्सल्स का सेंसर दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हो जो मैंने लिया था। देखिए कैमरा भी एक मिक्स्ड फीलिंग है मेरे लिए इस फोन में, जो बैक कैमरा है बहुत ही अच्छा ये काम करता है, लो लाइट फोटोज ही अच्छा लेता है, नाइट मोड और नॉर्मल फोटोज में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन नाइट मोड होने से थोड़ा सा फोटो और एनहांस हो जाता है। सामने का जो फ्रंट कैमरा जो है ये केपेबल है अच्छा फोटो लेने का, डे लाइट कंडीशंस में ये अच्छा फोटो लेता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफ्स को फोटोज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपने एक अच्छा सेंसर दिया है और 16 मेगापिक्सल जो कि काफी एफिशिएंट होता है और सफिशिएंट भी है अच्छे पिक्चर्स लेने में, वहाँ पे आपने इतना ब्यूटी मोड आपने क्यों दे दिया। हाँ, पहले एक दो अपडेट के बाद थोड़ा सा इसको नॉर्मल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ब्यूटी फाइड इमेजेस आपको मिलते हैं, जो कि अगर आप सेल्फी सेंट्रिक पर्सन है जिनको अच्छा लगता है थोड़ा सा ब्यूटीफाई इमेज निकालना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। फोटोज बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन फोटोज उतने ज्यादा भी अच्छे नहीं आते जितना आप 25-30,000 या 20-25,000 के फोन में आप एक्सपेक्ट करो। तो बैक कैमरा इज वेरी गुड, और फ्रंट कैमरा जो है वो अबव एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है, अबव एवरेज। 5G ये एक अच्छा 5G फोन है, ये एक प्रॉपर 5G फोन है, इसमें सिर्फ नाम का मॉडेम नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं 5G के, 7 बैंड्स अराउंड मिलते हैं, तो इन द अपकमिंग टाइम अगर आप इस फोन को 2-3 साल तक यूज करने का सोचो, और इंडिया में अगर अगले एक साल के अंदर अगर 5G इंट्रोड्यूस अगर होता है तो ये फोन आपको निराश नहीं करेगा, तो ये प्रॉपर 5G फोन है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया गया है। बात करते हैं इसके ऐप मैनेजमेंट में, काफी अच्छा है, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं इसके ऐप मैनेजमेंट में, इसका ऐप मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो इस फोन के बारे में जो मेरी फाइनल वर्डिंग है, बेनिफिट्स मैंने बहुत ज्यादा आपको गिना है कि रियलमी UI बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है पहले से, बहुत अच्छा है, स्क्रीन अनलॉक सिस्टम जो है जो इन स्क्रीन
फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है, बैक कैमरा इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्लीक ये फ़ोन है, ये 5G फ़ोन है, इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका साउंड आउटपुट अच्छा है, इसका इन हैंड फीलिंग फॉर्म फैक्टर वगैरह अच्छा है। जो थोड़े से डाउन साइड मुझे लगा, इसका फ्रंट कैमरा और अच्छा हो सकता था, कंप्लीट कर देता इस फ़ोन को, और इसका फ़ोन के लुक्स थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा यूनिवर्सली सबको ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, लेकिन यूनिवर्सली सबको ये खराब भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा मिक्स्ड इसका रिस्पॉन्स आपको आएगा। और अगर मैं रियलमी के ब्रांड वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो पिछले 3-4 साल में के अंदर रियलमी का जो ब्रांड वैल्यू जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी बड़ा है। अभी धीरे धीरे ये कंपनी प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन्स में घुसने की कोशिश कर रही है। तो इस फ़ोन को जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, अगर 2021-22 इस रेंज में आपको 8GB वाला वेरिएंट अगर मिल जाता है, मैक्सिमम 22, आप इस फोन को कंसीडर कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा फीडबैक देगा, निराश नहीं करेगा। उससे ज़्यादा अगर आपको ये फ़ोन मिल जाए तो आप रुक जाए, क्योंकि सेल में आपको ये फ़ोन 2021-22 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो जैसा फिर से मैं कहता हूँ कि उसी प्राइस में अगर ये फ़ोन आपको वापस अगर मिल जाता है तो वेरी वर्थ बाइंग, आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, थम्स अप। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की मेरी ये वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी ये जो इन्फॉर्मेशन है। पिछले मेरे एक दो वीडियोस में आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया, आप लोगों ने पसंद किया उसको, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, कुछ कमेंट्स आए, तो बहुत अच्छा लगा। शुरुआत की मैंने तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इस वीडियो में भी अगर मैंने कुछ भूल चूक कर दिए, कुछ टर्म्स अगर मैंने गलत अगर यूज़ कर दिए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ अगर गलत दिखता है, या अगर आपको कुछ अगर एडवाइस अगर आपके पास अगर है कि मैं कैसे और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। साथ अगर आप बना के रखते हैं तो फिर हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को डेवलप करने का। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सोच रहा हूँ, कि चैनल अभी नया है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे सपोर्ट करते हो, तो कुछ वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच गाइज़।